What's up guys, welcome back to the vlog. We have two parcels, one is from Label MN और एक है Eyewear Lab से. अब ये दोनों चीज मैंने सेल में खरीदी है, तो मैं आपको खोल के सबसे पहले बताता हूँ कि अंदर क्या क्या है. ओके, दैट वाज क्विक. ये है हमारा रफाल एडिशन, रफाल एडिशन लेबल एमएन का. मुझे काफी टाइम से लेना था, मुझे फुल स्लीव वाला ऐसा मिलिट्री लुक वाला टी शर्ट चाहिए था, तो मैंने ले लिया है. पहन के आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है अपने पास, जो कि है अपने Eyewear Labs के चश्मे. ये भी मैंने सेल में उठाए, और ओहो हो, तो ये है हमारे Eyewear Labs के चश्मे. तो मैं एक्चुअली लाइट वाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर चालू लाइट में मैं पहन के अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको इसकी जो फ्रेम का जो कलर है वो समझेगा नहीं. हाँ भाई, तो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी. आई नो इट्स लुकिंग गुड ये चश्मों के साथ. दिस इज़ गोइंग वेरी वेल. तो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग. थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, बट चलेगा भाई, क्योंकि एक्सेल मैंने मंगाया. अभी मैं इसे एक और साइज़ छोटी मंगा, फिट साइज वाइज का प्रॉब्लम होता होता. तो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. आई थिंक आई एम लुकिंग प्रीटी कूल, और व्लॉग में भी अपना मस्त लग रहा है. तो भाई काम करते हैं, अब इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, और ये काम के बीच मैंने सोचा कि चलो थोड़ा व्लॉग. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ बेसिकली द नेक्स्ट डे. मुझे थोड़ा काम ख़त्म करना है मेरा कोडिंग का, तो मैं पहले वो कर लूँगा. मुझे इंटरफेसेस एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जो मुझे ध्यान से थोड़ा फिर से समझने की ज़रूरत है, तो मैं वो करूँगा पहले. उसके बाद जो अपना टाइटल है उसके ऊपर अच्छे से आराम से बात करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट इट, तो करेंगे. बट उससे पहले कोडिंग का काम ख़त्म कर लेते हैं. गाड़ी को होने देते हैं थोड़ा कूल डाउन, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इसको एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ. वीक में एक्चुअली मैं तीन बार इसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए कि बैटरी इसकी डाउन हो जाए. तो अभी एक्चुअली थोड़ी गाड़ी आगे है एक, तो मुझे इसको फॉरवर्ड रिवर्स करने का रिस्क लेना नहीं है, बिकॉज इस SUV और बहुत लंबी और बड़ी गाड़ी है. लास्ट टाइम तो गाड़ी आगे नहीं थी इसलिए मैंने किया था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. अभी अपने पास लाइसेंस वाइसेंस सब है, बट गलती से भी अगर ठोक दी सीन हो जाएगा. इसके लिए रहने देते हैं, काच खोलते थोड़ा. भाई गाड़ी को तब तक होने देते कूल डाउन, और मुझे जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ करनी है वो करते हैं. सोच रहा हूँ पीछे बैठ के करूँ. अब ये जो बात है इसका गवाह मैं भी हूँ और आप भी हो, कि इंडियन व्लॉगिंग हैज केप्ट ऑन इवॉल्विंग ओवर मेनी ईयर्स. मतलब जब स्टार्ट हुआ था मोटो व्लॉगिंग से, और मोटो व्लॉगिंग से लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग का जो ट्रांजिशन आया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन लाया है. लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग तक ठीक था, लोग अच्छा कर रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड till 2019. Vloggers were making good content. So till 2019 and 20, vloggers used to share a good story through a good camera. स्टोरी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती थी, अच्छे तरीके से व्लॉगर्स व्लॉग प्रेजेंट करते थे. फिर 2019 और 20 के बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लगी. कुछ ऐसे व्लॉगर्स बूम कर गए जिन्होंने एक नई व्लॉगिंग की कैटेगरी को पैदा किया. अब कुछ ओवर स्मार्ट लोग हैं जो व्लॉगिंग को मुझसे ज़्यादा समझते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं. चलो एनीवेज, लेट्स नॉट गो देयर. हियर आई एम नॉट डिफाइनिंग व्हाट व्लॉगिंग इज, बट एवरी पर्टिकुलर थिंग दैट आई बिलीव एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है फॉलो करने का, कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आपको जाना है तो आप बाइक पहले गियर पहनते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक पे बैठते हो, गियर चेंज डिक्रीज इंक्रीज करके एक लोकेशन होती है, बीच में स्टॉप लेते हो और पहुंचते हो. लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप खोलते हो, लिड खोलते हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है. यू ओपन द लिड, यू स्कैन योर फिंगरप्रिंट एंड देन योर लैपटॉप ओपन्स. हर एक चीज़ का मतलब बेसिकली आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि एक प्रोटोकॉल हमेशा हर चीज़ में हम फॉलो करते हैं. भाई प्रोटोकॉल इन द सेंस, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यार हर एक व्लॉगर ये सोचता है कि मैं मेरा व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ, बीच की जो स्टोरी है उसको कैसे पोर्ट्रेट करूँ. जैसे कि अभी मैंने रीसेंट टाइम्स में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है लोगों को देखने में मज़ा आता है, तो मैं मेरी एक पार्ट ऑफ स्टोरी जो है वो मोटो व्लॉगिंग के थ्रू शेयर करता हूँ. और फिर एक होता है कि आप सपोज कुछ कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, मैं जैसे कोडिंग कर रहा हूँ तो मुझे उसको दिखाना है, तो दैट आई प्लान एंड दैट आई शो. उसके बाद एक चीज़ आती है कि आप अपना व्लॉग
एंड कैसे करते हो, एक जो ट्रांजिशन है वो आपके व्लॉग का कैसे लाते हो? भाई एक काम करता हूँ, मैंने तो सोचा था बाहर गली में रुक के अच्छे से थोड़ा बाहर का व्यू आप लोगों को देखने मिले, इसके लिए मैं व्लॉग इधर आया था शूट करने के लिए, और गाड़ी भी एक बहाने में मेरी स्टार्ट हो गई। तो अभी बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं घर पर जाके, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं शर्मा था भाई किसी से भी नहीं हूँ, बट ये लोग जो रुक रुक के लुक देते हैं ना, तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा हट जाता है। शर्मा थे हम नहीं है भाई, इतने टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ, शर्मा था तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, बट यही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई। पहले सही था यार, पहले आप अपना जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लॉग्स बनाते हो, जो अच्छी चीज़ें आप अपने ब्लॉग्स में दिखाते हो, वो चीज़ों के बारे में लोग कमेंट्स में दाद देते थे, लोग बोलते थे कि वाओ भाई मज़ा आ गया, व्हाट अ व्लॉग, क्या स्टोरी शेयर की है, क्या अच्छी तरीके से पूरा व्लॉग निकाला है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब अगर आपको ऐसे कमेंट्स चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में, तो ऑल यू नीड इज़ अ डॉग एंड अ फैमिली टू शो, हो गया भाई। बस ये जो आपका एक पैकेज है, ये पैकेज अगर आपको मिल गया, ये हासिल कर लिया आपने, तो यू आर अ गुड व्लॉगर। भाई मैं किसी को टारगेट या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट इन जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखने जाओगे, अगर ध्यान से अगर आप व्लॉगिंग चैनल्स फॉलो करोगे, तो आप एक चीज़ बेशक नोटिस करोगे, वो ये है कि हर एक व्लॉगर के पास एक कुत्ता है, और हर एक व्लॉगर आईफोन लेके चालू हो गया कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। भाई ये व्लॉगिंग नहीं था यार, दिस वॉज नॉट व्लॉगिंग। ये जब स्टार्ट हुआ था तब ये सब चीज़ों के लिए नहीं हुआ था। ये मेरा कुत्ता बीमार है, मेरे चाचा की लड़की ने मस्ती कर दी, सिस्टम से काम होता है। अब क्या हो रहा है कि लोगों को बस एक तरीका मिल गया है कि भाई इससे सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, तो लोग क्वालिटी फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे। मैं और मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनसे इनफैक्ट मेरी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये सारे टॉपिक्स पे बात होती रहती थी, तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, और मैंने बोला। अगर आपको लगता है मैंने आपको टारगेट किया, तो टेक इट एज इट इज़। मैंने बिल्कुल भी, अभी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं एक कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्लॉगर की बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट इन जनरल एक ट्रेंड के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये दिस वॉज नॉट एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ जस्ट फॉर माई ऑडियंस, और जो लोग मुझे समझते हैं और जो यूट्यूबर्स मुझे समझते हैं, दे विल रिलेट टू दिस व्हाट आई एम टेलिंग। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, अगेन आई एम एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से रिवॉल्व हो रही थी, काफ़ी टाइम से रोटेट हो रही थी, और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने बात की। एक सबसे एक सीरियस टॉपिक है जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया, वो ये है कि भाई अगर ये चलता रहा कि मतलब यू नो आप एफर्टलेस कॉन्टेंट बना रहे हो, ज़्यादा एफर्ट नहीं जा रहा कॉन्टेंट पर, एंड यू आर मेकिंग व्लॉग्स और वो हिट हो रहा है, और एक साइड पर है मेरे जैसे व्लॉगर्स जो हर एक चीज़ में ध्यान रखते हैं, एडिटिंग से लेके थंबनेल, टाइटल, या माइक चालू है कि नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट अब मुझे नहीं लगता कि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अब ये लार्ज स्केल पे चला गया है। आपको भी पता है किसकी वजह से, मुझे भी पता है किसकी वजह से। अगर और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि यार अभी मुझे एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो गई है कि योर सब काउंट कैन नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ कॉन्टेंट और द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट यू मेक। किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होके भी एकदम ठीक ठाक कॉन्टेंट हो सकता है, और मुझ जैसे लोग 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर वाले लोग कम सब्सक्राइबर्स होके भी अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं, ये एक चीज़ मैंने मेरे दिमाग में डाल दी है। तो माय फ्रेंड, इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, इफ़ यू आर अ व्लॉगर जो दिल से मेहनत कर रहा है, अच्छी चीज़ें डाल रहा है, अच्छा कंटेंट डाल रहा है, उसको फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, थोड़े टाइम में मुझे लग रहा है ये पिवट होगा, थोड़े टाइम में चीज़ें बदल जाएंगी। थोड़े टाइम मतलब मुझे नहीं लगता 1-2 महीने, मैं एक लंबे समय की बात कर रहा हूँ। तब तक भाई डालते जाओ, अच्छा कंटेंट बनाते जाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, वीक में 2 डालो, बट अच्छे व्लॉग डालो, ये मेरा प्रिंसिपल है भाई। मैं अगर चाहूँ तो मैं डेली व्लॉग अभी भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो मेन प्रिंसिपल था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, वो ये था कि भाई अपने को सबसे ज़्यादा टाइम देना है पढ़ाई को, रेपुटेशन चाहिए लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है कि मुझे पास ऑन करना चाहिए था, तो मैंने किया। एंड यह दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग। आपको अगर छोटा था, सिंपल था, बट मुझे बात करनी थी तो मैंने की। For whatever reason, if you enjoyed watching, please hit the like button, और आप share भी कर सकते हो ये vlog। और भाई this was not meant to hurt anyone, this was not meant to मतलब किसी के बुरे के लिए नहीं था, ये बस मेरे मन में था, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। अब आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। So this was it, see you guys in the next one, bye। ये एक इसको कह सकते हैं कि एक heart to heart मन की बात वाला video था।